लोगों ने पिछली क्लास में द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से म्यूजिक टीचर के चप्पल वो एक मांगने वाले को दे देते हैं और सारा फिर बखेड़ा खड़ा होता है, सारा जो है वो किस्सा बनता है, उसको हमने देखा था। आज हम लोग एक पोएम देखेंगे, कविता देखेंगे, जिसका नाम है द रिबेल। रिबेल का मतलब क्या होता है? विद्रोही। विद्रोही का मतलब क्या होता है? जो किसी की बात से सहमत ना हो और वो अपनी नाराज़गी जताता है, उस नाराज़गी जताने को क्या कहते हैं? विद्रोह। और जो नाराज़गी जताता है उसको क्या कहते हैं? विद्रोही। भाई मैं आपको कोई बोलूं और आप उस मेरी बात से सहमत नहीं हो, असहमत हो, तो आप क्या करोगे? विद्रोह। और आप लोग क्या कहलाओगे? विद्रोही। ठीक है, तो विद्रोह से संबंधित पोयम है, इसके कुछ वर्ड हैं। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, डिसअग्री का मतलब असहमति, सहमत नहीं होना किसी बात से, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन, डिस्कस चर्चा करना, पार्टनर साथी, जनरली सामान्य, कट काटना, क्रिएट पैदा करना, डिस्टर्बेंस का मतलब अशांति, जो तुम करते हो क्लास में, बोलते रहते हो जब तुमको पढ़ाते हैं तब, वियर्स पहनना, यूनिफॉर्म पोशाक, जो तुम पहन के नहीं आते हो यूनिफॉर्म, फंटास्टिक आश्चर्य, आकर्षक कपड़े तुमको बड़े पसंद है, फटेले टूटेले, सोबर सादगी, कंपनी साथ, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, बताना, जताना, प्रेफरेंस पसंद, प्रेज तारीफ करना, तारीफ करते हो आज खाना अच्छा बनाए हूँ वो, रिमार्क टिप्पणी, नीड आवश्यकता, ग्रीट अभिवादन करना। अभिवादन करना क्या होता है? जब टीचर क्लास में आता है और तुम खड़े होके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हो, वो अभिवादन बोलते हैं उसको। रिग्रेट दुख होना, स्टे ठहरना, कहीं पे रुकना मतलब स्टे करना, प्लीज़ कृपया, थैंक धन्यवाद, और फाइंड का मतलब पाना। ये वोकेबलरी थी हमारी। अब उसके बाद ये पोएम स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ऊपर चार पांच लाइनों में क्या लिखा है बुक में देखेंगे सब। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसअग्री विथ यू और योर फ्रेंड्स? कि क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो हमेशा क्या रहता है, आपसे, आपके दोस्तों से क्या रहता है? असहमत रहता है। आपने कहा पानी पूरी खाते हैं तो वो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, अपन तो मंचूरियन खाएंगे। आपने कहा कि चलो समोसे खाते हैं तो वो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, चलो कचौरी खाएंगे। आपने अगले दिन कहा चलो कचौरी खाते हैं तो वो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, अपन तो समोसे खाएंगे। तो इस तरीके का जो रहता है, जो कभी भी क्या होता है, सहमत नहीं होता है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, आपकी बात, आप जो कहते हो उससे उल्टा करता है, और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। कि उनको क्या करना चाहिए वो हमेशा दूसरे जैसा सोचते हैं या जैसा दूसरे करना चाहते हैं उसका हमेशा वो विपरीत सोचता है। थिंक ओवर वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, ऐसे आदमी के लिए क्या शब्द होगा, ऐसे आदमी के लिए शब्द होगा विद्रोही। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। कि ऐसे इंसान क्या करते हैं, ऐसे इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होते। कितना भी अच्छा उनको घर पे भी खाने का बना देंगे तो क्या कहेंगे वो? अरे नमक कम था। नमक बराबर होगा तो क्या कहेंगे? अरे मसाला ज़्यादा था, अरे मिर्ची ज़्यादा थी, अरे यूँ कर देते तो और अच्छी बन जाती, दही डाल देते तो उसमें और अच्छा हो जाता। वो क्या होते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ से क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते, किसी भी चीज़ से सहमत नहीं होते। हमको जीवन में कैसा होना चाहिए? जीवन में आदमी को आत्मसंतुष्ट होना चाहिए, उसको सहमति होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे नमक कम है तो ऊपर से डाल को खा लो, अब उसमें विवाद करने की कहाँ आवश्यकता है। या कोई बात है, आपको लग रहा है कि वो कचौरी खा रहे हैं, आपको नहीं खानी है तो आप समोसा खा लो, सामने वाले को भी कचौरी क्यों खिलाओगे? कि नहीं तू भी कचौरी खा, मैं कचौरी खाऊं, तो ऐसा विद्रोही हमको जीवन में नहीं बनना है। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब बाल छोटे रखते हैं तो विद्रोही क्या कहता है? मैं तो बाल बड़े करूँगा। वो क्या करता है? बाल बड़े रखता है। मतलब जो सब करते हैं वो काम विद्रोही नहीं करता है, उसका क्या करता है? उल्टा ही काम विद्रोही करता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. कि जब सब बाल लंबे रखते हैं तो वो क्या करता है? अपने बाल छोटे कर लेता है। जो सब काम करते हैं वो विद्रोही नहीं करता है। When everybody talks during the lesson, जब सब
पाठ पढ़ा रहे होते हैं और जब सब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो रिबल क्या करता है, सुमड़े की तरह चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। जब सब बात करते हैं तब चुपचाप बैठा रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. जब सब बात सुन रहे होते हैं, जब सब लेसन पढ़ रहे होते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो विद्रोही क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, व्यवधान पैदा करता है, इधर उधर छेड़खानी करता रहता है, बातें करता रहता है, पत्ते फाड़ता रहता है, लिखता रहता है, कंपास में देखता रहता है, कंपास खोलता है, बंद करता है, ऐसा काम करता है विद्रोही ऐसा काम करता है। कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, खुजालता रहेगा इधर उधर, बस्ता खोलेगा, बस्ता बंद करेगा, किताब खोलेगा, किताब बंद करेगा, पत्ते पलटेगा, ऐसा काम विद्रोही करता रहता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. कि जब सब लोग यूनिफॉर्म में आते हैं तो विद्रोही क्या करता है, कलरफुल कपड़े पहन के आ जाता है। अब तुमको कलरफुल ड्रेस के लिए एक दिन डिसाइड कर रखा है कि गुरुवार को क्या करना है, रंगीन ड्रेस पहन के आना है, तो तुम क्या करते हो, गुरुवार के दिन तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन आते हो, बाकी के दिन में क्या करते हो, रंगीन पहन आते हो, तो तुम भी क्या हो गए, विद्रोही है ना। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब सब आकर्षक कपड़े पहन के आते हैं, रंग बिरंगी कपड़े पहन के आते हैं, तो वो सादे कपड़े पहन के आ जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. कि सब दो चार जने इकट्ठे हुए और वो बात करते हैं, कुत्ते के बारे में बात करते हैं, कुत्ते अच्छे हैं, या ये कुत्ता अच्छा है, या इस तरीके का कुत्ता लाना चाहिए, या ये कुत्ता ऐसा करता है, तो क्या कहता है, हैं बिल्ली लानी चाहिए, बिल्ली ऐसे करती है, बिल्ली अच्छी रहती है। वो क्या करते हैं, जो सब करते हैं उसके उल्टा काम ही विद्रोही करने का करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब वो बिल्लियों पे बात करने वाले लोगों के बीच में होता है या बिल्ली पालने वालों के बीच में होता है, तो वो किसकी बात करता है, कुत्ते की बात करने लग जाता है। अरे कुत्ते जोरदार, अरे मज़ा आ जाएगा कुत्ते पालों में, तो उल्टा काम करने का काम ही कौन करता है, विद्रोही हमेशा उल्टा काम करने का कहते हैं। When everybody is praising the sun, जब सब लोग सूर्य के बारे में बात करते हैं, सूर्य की तारीफ कर रहे होते हैं, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो क्या करते हैं वो रिबेल विद्रोही क्या करता है, अरे बारिश आ जानी चाहिए यार, अब सर्दी का टाइम होता है, ठंड लग रही होती है, सब क्या कहते हैं, अरे धूप आएगी तो क्या है, धूप में बैठेंगे, ताप में बैठेंगे, तो रिबल क्या कहेगा, अरे पानी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, वो उल्टा बोलने का काम करता है। When everybody is greeting the rain, जब सब लोग गर्मी होती है, गर्मी पड़ रही होती है, सब क्या कहते हैं, उमस उठ रही होती है, अभी जैसे उमस उठ रही है, सब क्या कहते हैं, बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए, अच्छा बारिश आए, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो वो क्या करता है, पछतावा करता है, अरे यार सूरज निकल ही नहीं रहा, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया, कपड़े नहीं सूख रहे, वो क्या करता रहता है, उल्टी बात हमेशा करता रहता, सब बारिश चाह रहे हैं तो वो क्या चाह रहा है कि सूरज निकल जाए ने सब जगह सूखा हो जावे, या उसके कपड़े सूख जावे, या कीचड़ जो है वो सूख जावे। When everybody goes to the meeting, सब लोग क्या है बाहर जब जाते हैं, जब सब बाहर जाते हैं, द रिबल क्या करता है, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, कि वो घर पे रहता है ने किताबें पढ़ता है। रविवार का दिन हमको क्यों दिया है, छुट्टी के लिए दिन दिया, कहीं आने जाने के लिए दिया है, कुछ नया काम करने के लिए दिया है, कहीं घूमने फिरने के लिए दिया है, तो रविवार के दिन विद्रोही रिबल क्या करता है, घर पे बैठ के पढ़ता रहता है। और सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार क्यों दिया हमको, कि हम घर पे रहें, पढ़ें, होमवर्क करें, स्कूल का काम करें, स्कूल में जो काम दिया है वो पढ़ें, उसके लिए था। उन दिनों में वो गांडा क्या करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, ने रविवार को जब घूमने का दिया है तो उस दिन क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting, जब सब लोग घर पे रह के पढ़ रहे होते हैं तो वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। When everybody says yes please, जब सब किसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, कि हाँ हाँ ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए, हाँ हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, द रिबेल सेज नो थैंक यू, रिबेल क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो काम के लिए दूसरे हाँ कहते हैं तो विद्रोही क्या करता है, उस काम के लिए मना कर देता है। When everybody says no thank you, जब सब क्या कहते हैं, मना करते हैं, चाय पीनी है, अरे ना ना नहीं पिए, गर्मी है, तो रिबल क्या करता है, द रिबल सेस यस, हाँ हाँ चाय पियेंगे, तो जो काम के लिए दूसरे मना करते हैं तो रिबल क्या करता है, उस काम के लिए हामी भरता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स,
कि ये अच्छी बात है कि हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ना कहते रहते हैं या हमेशा उल्टी बात करते हैं. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन आप उन विद्रोहियों के जैसे बनना पसंद नहीं करोगे. आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे भी इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व को लोग पसंद नहीं करते हैं. इस प्रकार के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, अरे यार ये बांझी मारता है बीच में, अरे ये यार हर चीज़ में ना कह देता है, अरे यार इसको रहने दो ये क्या करेगा, इसको ले जाएंगे तो ये अपनी वाली करेगा. तो ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं. तो हमको क्या करना चाहिए, एडजस्टेबल कैरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, एडजस्टेबल व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, समायोजन होना चाहिए. हर किसी के साथ क्या हो, आप मिक्सअप हो पाओ, इस तरीके का आपको होना चाहिए. ठीक है, आ गए समझ में? चलो कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे.